दोस्तों हाल ही में काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, अब दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम RRTS में अब होंगे AFC सिस्टम, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अब दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर में पैसेंजर्स के लिए AFC सिस्टम एंड QR कोड टिकट्स होंगे। अब यात्रियों की ट्रैवलिंग और भी ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी। अब यहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC का कहना है कि AFC सिस्टम ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन को बाय करने के लिए गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया गाइडलाइंस के तहत बोलियों को इनवाइट किया है, जिसमें NCRTC ने ज्वाइंट वेंचर कंपनी बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, ये सभी शामिल होंगे। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि AFC सिस्टम मॉडर्न ट्रांसिट से यात्रियों के ट्रैवलिंग करने के तरीकों में एक बड़ा बदलाव लाएगा, जो फ्यूचर में काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस नजर आएंगे। AFC सिस्टम के साथ एंट्री और एग्जिट विल बी सीमलेस, मोर कम्फर्टेबल, इजी एंड क्विक होगा। साथ ही यहाँ पर यात्रियों के लिए QR कोड टिकट को यूज करने का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी शामिल होगा, जिसे NCRTC की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर डिजिटल रूप से जनरेट किया जा सकता है। साथ ही ये देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम होगा, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सिस्टम के आधार पर EMV, यूरोपे मास्टर कार्ड, वीजा के साथ साथ यहाँ पर ओपन लूप कॉन्टैक्ट लेंस कार्ड को भी अलाउ किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन AFC सिस्टम को दो लेवल्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे कॉन्कोर्स लेवल एंड सेकंड ऑन द प्लेटफॉर्म लेवल। यहाँ पर NCRTC का कहना है कि ये AFC सिस्टम पूरी तरह से बेस्ड होंगे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर। वैसे तो ये सिस्टम लगभग दिल्ली मेट्रो टोकन सिस्टम की तरह होंगे, जहाँ दो स्टेशनों के बीच में एक ही यात्री टिकट वेटिंग मशीन से पेपर QR टिकट को खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 15 जून को कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी हिस्से के रूप में वह RRTS कॉरिडोर के लिए क्लीन एनर्जी को यूज करेगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के खर्च में कमी आएगी ही साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में भी काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों कुछ दिन पहले ही एक काफी बड़ी खबर निकल कर आई थी, NCRTC अपने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ब्लेंडेड रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेगी। जी हाँ, यहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए सोलर पावर के साथ रिन्यूएबल एनर्जी को ब्लेंड करने के लिए भारतीय सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के साथ एक मेमोरेंडम पर साइन किया है। यहाँ पर सभी एलिवेटेड RRTS स्टेशन और डेपो में सोलर पैनलों को लगाया जाएगा, जो मिनिमम 10 मेगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेगा, जो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर की टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट को 40% तक रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने का टारगेट है। साथ ही साथ RRTS स्टेशन और अपने आसपास के प्रीमाइसेस पर डेपो, ऑफिशियल स्पेस और ट्रेनों में एनर्जी की बचत के लिए LED लाइट्स को यूज करेगी। दोस्तों NCRTC का उद्देश्य है कि पैसेंजर्स को काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करे, जिससे ये कॉरिडोर पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास नजर आए। यहाँ पर पैसेंजर्स की सेफ्टी के साथ साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे ये कॉरिडोर पूरी तरह से ग्रीनफील्ड नजर आए। साथ ही इस कॉरिडोर में पैसेंजर्स के लिए बिल्कुल वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट की तरह सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा।